हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैप्स किचन। आज मैं सुबह के नाश्ते में बनने वाला दाल चीला विद चीज़ बताऊंगी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार ज़रूर आप बनाइए ऐसा और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या लगेगा। यहाँ मैंने 1 कप मसूर दाल भिगो के 2.5 घंटे के लिए रख दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड करूंगी। इसके लिए मैंने ग्राइंडर ले लिया है, इसमें दाल डाल दिया, थोड़ा पानी डाल लिया। अब 1 इंच अदरक मैं इसे ऐड करूंगी। अदरक ऐड करने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी, पेस्ट बना लूंगी। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें मैं जो दाल चीला का पेस्ट है वो मैं इसमें डाल लूंगी और थोड़ा जो ग्राइंडर में लगा है उसे धो लेती हूँ। धो के उस पानी को भी ऐड कर लिया मैंने यहाँ। और इसकी थिकनेस अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पानी ऐड कर लिया है। आपको जितना पतला जितना मोटा चाहिए वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट भी आप अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिए। और ऐड किया है 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये हमारा रेडी है। अब हम गैस पर पैन रख लेते हैं। पैन थोड़ा गर्म हो जाए, उसको ब्रशिंग करके इसमें हम चीला डालेंगे। मुझे थोड़ा और पतला चाहिए था तो मैंने पानी ऐड कर लिया इसमें और इस तरह हम डाल लेंगे। गैस हाई फ्लेम पर ही रहेगा। थोड़ा हम तेल साइड साइड में डाल देते हैं और यहाँ मैं थोड़ा उठा के देखूँगी। इसका मतलब ये कि अभी पका नहीं है। जैसे ही ये दाल चीला पकता है तो ये अपने आप साइड छोड़ देता है। देखिए साइड इसने छोड़ दिया है, आसानी से उठ जा रहा है। हम इसे पलट देंगे और अब दूसरे साइड भी सेक लेंगे। जैसे ही दूसरा साइड सिक जाए उसे ऊपर ले लेंगे और उसमें अब हम टोमेटो चटनी इसमें ऐड कर लेंगे। इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मोज़रेला चीज़। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं और भी छोटे छोटे वेजिटेबल्स काट के ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीज़ ऐड कर लिया है और अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। ये हमारा रेडी हो गया, दाल चीला विद चीज़। अब मैं आपको एक और बना के बताती हूँ। ये सुबह के ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी ये बन जाता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। आप टिफ़िन में भी इन्हें दे सकते हैं बनाकर। इसे भी हम पलट लेंगे। एक बार ज़रूर आप ऐसे बनाइए, बनाकर मुझे इनबॉक्स करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, कुकिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद इसमें भी हम टोमेटो चटनी लगा देंगे और इसके ऊपर भी हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है, दाल चीला विद चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।